प्रेग्नेंट होने के लिए डाइट चार्ट 7 डेज फूड चार्ट टू कंसीव फास्ट इन हिंदी। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या खाएं? हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट बर्ब, व्हाई स्टार्व व्हेन यू कैन प्लान योर फूड। मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। इस वीडियो में हम 7 डेज प्री प्रेगनेंसी डाइट प्लान फॉर कंसीविंग डिस्कस करेंगे। ये जो फर्टिलिटी डाइट है, ये आपकी फर्टिलिटी को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट करती है और आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है। अगर आप एक मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मेंशन डाइट प्लान आप अपनी वाइफ के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप अपने लिए एक फर्टिलिटी डाइट प्लान तलाश रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव फर्टिलिटी इन मेन जरूर देखें। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मेंशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये स्पेशल चेकलिस्ट टू फॉलो व्हाइल प्लानिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्लान करते समय हेल्थ के मायनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा जारी करी गई गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं। चेक फॉर योर आइडियल वेट। गर्भधारण करने से पहले जरूरी है कि आप अपना वजन आइडियल वेट रेंज में रखें। वजन कम होने से या नॉर्मल से ज्यादा होने पर प्रेगनेंसी कंसीव करने में और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, सी योर डॉक्टर। प्लान प्रेगनेंसी की सबसे अच्छी बात यही होती है, होने वाले माँ बाप अपने आप को मेंटली और फिजिकली इस चेंज के लिए रेडी करते हैं। इस प्रिपरेशन का एक हिस्सा है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ कंडीशन को डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थायराइड या PCOS या फिर BP या शुगर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जो प्रेगनेंसी का एक बेहद इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसे कब और कैसे यूज करना है, वो चीजें आपको समझा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिंस कंसेप्शन में इंटरफेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, कुछ थायराइड मेडिसिंस और कुछ डायूरेटिक्स जो स्वेलिंग कम करने के लिए यूज करते हैं, ये सारी दवाइयाँ आपको कंसीव करने में परेशानी पैदा कर सकती हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ये सारी बातें भी डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट है, चेक योर हैबिट्स। प्रेगनेंसी प्लान करते समय जरूरी है कि आप अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ मेडिसिंस या मेडिसिनल ड्रग्स से अपने आप को दूर रखें। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंस के बीच काम करते हैं, तो आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस अक्सर एक अच्छा पेरेंट बनने के और प्रेगनेंसी के बीच आ सकता है। एक पेशेंट और इमोशंस को अच्छे से हैंडल करने वाला इंसान एक अच्छा पेरेंट बनने के काबिल होता है। अच्छी मेंटल हेल्थ अचीव करने के लिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए 7 to 8 hours की अच्छी नींद बेहद जरूरी है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, उसमें आप वॉकिंग करिए और मेडिटेशन और योगा जैसी कामिंग एक्टिविटीज अपने रूटीन में शामिल करिए। आइए अब एक नजर डालते हैं उन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पर जो कंसीव करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन अ प्री प्रेगनेंसी डाइट प्लान। नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम के लिए आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है तिल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी, ड्रमस्टिक्स, मोरिंगा, राजगिरा, चिया सीड्स, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आयरन। आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रेंज में होना बेहद जरूरी है। आयरन के लिए आप इस्तेमाल करिए, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में है ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर, फिशेस लाइक सैमन, टूना एंड एग्स। वेजिटेरियंस अपनी डाइट में इंक्लूड करें पीनट्स, वॉलनट्स, पिस्ता, पीकन नट्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकली, स्पिनच और अन्य ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोहा, गुड़ एक्सेट्रा। अगला न्यूट्रिएंट है कोलीन। कोलीन शिशु के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को भी प्रिवेंट करता है। इसके लिए आप लें एग्स, चिकन और ब्रोकली, मशरूम, सोयाबीन, ऑर्गन मीट्स और वीट जर्म। अगला न्यूट्रिएंट है कोएंजाइम क्यू। ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एग प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। आप लीजिए चिकन, लेंटिल्स, सोयाबीन, पीनट्स, ऑरेंज, स्पिनच, कॉलीफ्लावर और तिल। अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। ये कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बेबी के बोन्स,
टीथ और मसल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जरूरी है कि अर्ली मॉर्निंग की धूप में आप वॉक करें। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। अगला न्यूट्रिएंट है फोलेट। फोलेट की डेफिशिएंसी से बर्थ डिफेक्ट्स और लो बर्थ वेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं बिफोर प्रेगनेंसी वो आप लें। और इसके अलावा आप अपने खाने में इंक्लूड करिए डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सी फूड। अगला न्यूट्रिएंट है इनोसिटॉल। इनोसिटॉल एग्स की अच्छी क्वालिटी बनाए रखता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ये नट्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स में मौजूद होता है। अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त फ्रीक्वेंट सेक्सुअल रिलेशंस होने के कारण वजाइनल इन्फेक्शंस और यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, साथ ही ये फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ऑरेंज, लेमन, आमला, कैबेज, ब्रोकली, ब्लैक करंट, स्प्राउट्स। सो जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या खाएं, ये तो अब आप जान ही गए होंगे। इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने व्हाट्सएप पे जरूर से शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप जब चाहें तब इजीली एक्सेस कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये 7 डेज प्री प्रेगनेंसी डाइट प्लान इन हिंदी। इंडियन डाइट प्लान टू कंसीव। इस डाइट प्लान का मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। टोटल कैलोरीज है 1400 से 1500, कार्बोहाइड्रेट्स है 60-65%, प्रोटीन्स है 20-25%, फैट्स है 15-17%। 7 डेज प्री प्रेगनेंसी डाइट चार्ट इस तरह से है। अर्ली मॉर्निंग में आप लीजिए वार्म वाटर एंड लेमन या ग्रीन स्मूदी, जिसमें आप पालक, अदरक, क्यूकुम्बर और लेमन यूज कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं जीरा वाटर या एलोवेरा का जूस, या फिर एबीसी जूस यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप अपनी हेल्थ और वेट के हिसाब से चूज करके ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस इस तरह से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दलिया या फिर किनवा का उपमा, 1 बोल। अगला ऑप्शन है नाचनी का सत्व, 1 बोल। नेक्स्ट ऑप्शन है ओट्स का पॉरेज या फिर ओट्स का उपमा, 1 बोल। नेक्स्ट ऑप्शन है वेजिटेबल पोहा या फिर वेजिटेबल उपमा, 1 बोल। या फिर आप लीजिए फ्रूट्स प्लस ओट्स प्लस मिल्क की स्मूदी, या फिर आप ले सकते हैं 3 इडलीज और 1 बोल सांबर और 2 स्पून चटनी, या फिर आप ले सकते हैं बेसन और पालक का चिल्ला। मिड मॉर्निंग में आप एक फ्रूट या फिर हैंडफुल ऑफ सोक्ड आलमंड्स या वॉलनट्स ले सकते हैं। ये मील ऑप्शनल है डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम एंड कन्वीनियंस। कमिंग टू लंच, लंच की शुरुआत आप करिए सैलड्स के साथ। आप वैरायटी यूज करिए, जैसे कि 1 बोल स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर आप स्लाइस्ड क्यूकुम्बर, टमेटो, बीटरूट और कैरेट्स ले सकते हैं, या फिर कोशिंबिर विद या विदाउट कर्ड यूज कर सकते हैं। मेन मील में आप लीजिए पार्ट 1 में 2 होल व्हीट रोटीज, या फिर आप ले सकते हैं 1 बोल ब्राउन राइस, या फिर 1 बोल प्लेन राइस पुलाव, या फिर 2 स्मॉल मिलेट्स की रोटी। अगर आपको थायराइड है तो मिलेट रोटी आप अवॉइड करिए। बेहतर होगा कि आप अपने लिए एक पर्सनल डाइट प्लान हमसे बनवा लें। अगला पार्ट यानी कि पार्ट 2 है वेजीज का। वेजीज में आप ले सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि पालक, मेथी, ड्रमस्टिक लीव्स या फिर रेडिश लीव्स या फिर शेपू, या फिर कोई भी ब्राइट कलर्ड सब्जी जैसे कि कैरेट, बीटरूट, पम्पकिन, कैप्सिकम, या फिर कोई भी गॉर्ड वेजिटेबल्स जैसे कि बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, स्नेक गॉर्ड, रिज गॉर्ड, परवल एक्सेट्रा। याद रखिए कि कम से कम 100 ग्राम्स वेजिटेबल तो आपको खाना ही है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 है प्रोटीन ग्रुप का। इसमें आप वैरायटी ऑफ पल्सेस और लेग्यूम्स और हेल्दी मीट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप छोला, चना, लोबिया, इडामामे बीन्स, या फिर कुक्ड स्प्राउट्स, मसूर, या फिर 100 ग्राम्स चिकन, या फिर 100 ग्राम कोई भी फिश ले सकते हैं। अगला पार्ट यानी कि पार्ट 4 है कर्ड या फिर सिंपल दाल या कढ़ी या सांबार या फिर रसम का। लंच के बाद याद रखिए तुरंत आपको सोना नहीं है, आप चाहे तो 1 घंटे बाद कुछ देर के लिए एक पावर नैप ले सकते हैं। इसके बाद अराउंड 4 PM आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस ले सकते हैं। सॉल्टेड रागी पॉरेज, ये बेहद ही न्यूट्रिशियस है, या फिर आप ले सकते हैं ये फर्टिलिटी स्मूदी। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं।
आपको लेना है स्पिनच 4 to 5 लीव्स, ब्लूबेरी, रास्पबेरी या फिर चेरी, अगर अवेलेबल हो तो आप इस स्मूदी में जरूर मिलाइए, और अगर अवेलेबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके अलावा आप अपनी स्मूदी में मिक्स करिए बनाना या फिर 1 tablespoon ऑफ ओट्स, इसके साथ आप मिलाइए 2 walnuts और साथ में 8 badam। अगर आपके शहर में एवोकाडो अवेलेबल है तो आप इसे भी यूज कर सकती हैं। साथ में आपको यूज करना है इनमें से कोई भी ऑप्शन, आप यूज करिए आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर या फिर प्लेन वाटर या फिर रेगुलर काउज मिल्क। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक साथ ब्लेंड करिए, और इसमें ब्लेंड करने के बाद ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स या फिर हेम्प सीड्स। ये स्मूदी एग की क्वालिटी इम्प्रूव करती है, ओवरऑल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करती है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाती है। ये सेम स्मूदी आप अगर चाहें तो अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 to 2 grams मका पाउडर भी आप मिला दीजिए, ये मेल फर्टिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको थायराइड है या कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इन इंग्रेडिएंट्स में से अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको यूज नहीं करनी है तो हम उसे स्पेसिफाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं डिनर की ओर। आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं, आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 मिक्स वेज सूप या कढ़ी और साथ में लीजिए 1 bowl वेजिटेबल दाल खिचड़ी। ऑप्शन नंबर 2 है 1 medium पनीर पराठा, साथ में आपको लेना है 1 cup अनियन और क्यूकुम्बर का रायता। लेट मी क्लैरिफाई, अगर आप फ्रिज का ठंडा दही यूज नहीं कर रहे तो साइंटिफिकली डिनर में दही खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वेजिटेबल सूप, इसमें साथ में आप लीजिए 1 bowl स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और साथ में आप लीजिए 1 bowl राइस। अगला ऑप्शन है वेजिटेबल स्टू या फिर मिक्स वेजिटेबल की सब्जी और साथ में आप ले सकते हैं डोसा या अपम या फिर एक रोटी। अगला ऑप्शन है मिक्स वेजिटेबल सूप या कढ़ी और साथ में आपको लेना है 1 big bowl वेजिटेबल दलिया। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 bowl पनीर या फिर एग्स की भुर्जी विद वेजिटेबल्स और साथ में आपको लेना है 1 roti। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 besan प्लस पालक प्लस कैरेट प्लस बीटरूट का डोसा और साथ में आप ले सकते हैं ग्रीन चटनी। डिनर के बाद बेड टाइम पर आप लीजिए 1 glass मिल्क, इसमें आप 1/2 teaspoon हल्दी डालिए, 1 pinch नटमेग पाउडर या फिर 2 चम्मच शतावरी पाउडर भी आप यूज कर सकती हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो बेड टाइम पे आप लीजिए 1 glass वार्म वाटर विद लेमन और इसमें 1 pinch सिनेमन पाउडर यूज करिए। ये डाइट प्लान फॉलो करने से आपकी फर्टिलिटी को नीडेड बूस्ट मिलेगा, माँ बनने में और प्रेग्नेंट होने में आपको मदद मिलेगी। अपना पर्सनल डाइट प्लान भी आप हमसे बनवा सकती हैं, जिसके लिए आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.dietbulb.com या फिर आप हमें पर्सनली ईमेल कर सकती हैं care@dietbulb.com पे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप बेझिझक हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकती हैं नीचे कमेंट करके। जैसा कि आप जान ही गए होंगे, हम हमारे सारे व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर्स की फुल हेल्प करना चाहते हैं और हम सभी कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करके उनका जवाब देते हैं, ताकि आप ट्रूली इस डाइट प्लान को फॉलो करें और अपने गोल को रीच करें। अगर हमारा डाइट प्लान आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।